स्वयं गौरांग महाप्रभु श्रीधर की टीका का बहुत आदर करते थे। तो श्रीधराचार्य ने लिखा है, केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः, व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। अर्थात कोई कहता है कि जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं, ऐसा व्यक्ति निकृष्ट है, निंदनीय है। कोई कहता है अरे धनवन क्या, ये तो सब बेकार की चीज है, गुण होने चाहिए गुण। जो गुणों से रहित है वो निंदा का पात्र है, निकृष्ट है, निंदनीय है। लेकिन श्रीधर कहते हैं कि वेदव्यास कहते हैं कि भाई ये गुण वुण ये सब चीजें नगण्य है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। कोई गुण ना हो किसी के अंदर, कुछ भी ना हो, लेकिन भक्ति हो, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो, तो सब कुछ है उसके पास। लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो भले ही वो समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञाता हो, फिर भी वो निकृष्ट है, निंदनीय है। सब कुछ है और भक्ति नहीं तो वो शून्य है, त्याज्य है, निंदनीय है। क्रिश्चियन धर्म में भी एक बहुत सुंदर वाक्य है इससे संबंधित, इफ आई हैव द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड आई नो ऑल मिस्ट्रीज एंड ऑल नॉलेज एंड इफ आई हैव ऑल फेथ एज टू रिमूव माउंटेन्स एंड हैव नॉट लव आई एम नथिंग। अर्थात मेरे अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें हों कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं सही सही, और जितने रहस्य हैं सृष्टि के वो भी सब मुझे ज्ञात हो जाएं, जितना भी ज्ञान है संसार का हर विषय का वो भी मुझे प्राप्त हो जाए पूरा पूरा। और इतना ही नहीं, मेरे अंदर इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को उनकी जगह से हटा सकूं, मैं कहूं ए पहाड़ हट जाओ अपनी जगह छोड़ करके, तो पहाड़ भी हट जाए अपनी जगह छोड़ करके। ये सारी बातें मेरे अंदर हो लेकिन भगवान के लिए प्रेम नहीं है मेरे अंदर, तो मैं कुछ नहीं। यानी देखो, सबने इस प्रेम पर जोर दिया है कि भक्ति ही सब कुछ है, ये नहीं और बाकी सब कुछ है, तो मनुष्य निंदनीय है, निकृष्ट है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाही प्रेम धन होय। लव द लॉर्ड दाई गॉड, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों का कथन है। अपने स्वामी से, अपने भगवान से मनुष्यों प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम ही सब कुछ है। तो इसीलिए निष्कर्ष ये निकला कि हमको भक्ति करनी होगी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। लेकिन मैंने आपको उस दिन एंड में इशारा किया था, भक्ति की नहीं जाती और अपने आप हो जाए या मिल जाए ऐसा भी नहीं होता। तो आप लोग तब से परेशान हैं कि भाई ये क्या पहेली है, भक्ति की भी नहीं जाती और भक्ति अपने आप मिलती भी नहीं है, होती भी नहीं है। हाँ, तो आज इस पहेली का रहस्य समझ लीजिए। पहले ये समझिए कि भक्ति क्या है।
भगवान की अनंत शक्तियां हैं, 1, 2, 4, 10, 20 करोड़, 10, 20 अरब नहीं, अनंत शक्तियां हैं। क्यों? भगवान की हर चीज अनंत है, कोई चीज उनकी लिमिटेड है ही नहीं। गुणात्मनस्तेपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य कईशिरेस्य। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। यो वा अनंतस्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धि रजांसि भूमेर् गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। भागवत 11वें स्कंद के 4थे अध्याय का 2रा श्लोक। अर्थात भगवान के गुण अनंत हैं, समस्त भूमंडल पर या अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी धूल है, उन धूल के कणों को भले ही गिन ले कोई, लेकिन गुणों की गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत हैं गुण। इसी प्रकार हर चीज भगवान की अनंत है, उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हर चीज अनंत है, भगवान के नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, जन अनंत, सब कुछ अनंत, लिमिटेड वहां कुछ है ही नहीं। इसीलिए वेदों ने भगवान का एक नाम ही रख दिया अनंत। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता, श्वेताश्वतरोपनिषद 1ले अध्याय का 9वां मंत्र। अनंत नाम रख दिया भगवान का। तो भगवान की शक्तियां अनंत हैं, लेकिन उन अनंत शक्तियों में 3 शक्तियां प्रमुख हैं। शक्तिमान की शक्तियां अगणित यद्यपि बखान राधे राधे तिन मह माया जीव अरु परा त्रिशक्ति प्रधान राधे राधे। भक्ति शतक। उन अनंत शक्तियों में 3 शक्तियां प्रमुख हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति तिरिष्यते। विष्णु पुराण। अनंत शक्तियों में 3 शक्तियां प्रमुख हैं, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। यही बात गौरांग महाप्रभु ने कही, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। अर्थात श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में 3 शक्तियां प्रमुख हैं, एक माया शक्ति, एक जीव शक्ति और एक पराशक्ति, उसका दूसरा नाम स्वरूप शक्ति या चित शक्ति, योग माया शक्ति। तो इन तीनों में जो स्वरूप शक्ति है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि स्वरूप शक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है और माया शक्ति ये बहिरंगा शक्ति है।
और जीव शक्ति ये तटस्थ है, न्यूट्रल, ना अंतरंग है और ना बहिरंग है। तो देखो इन तीनों में, यानी अनंत शक्तियों को हमने समेटा तीन शक्तियों में, एक अंतरंगा स्वरूप शक्ति, एक बहिरंगा माया शक्ति और एक तटस्था जीव शक्ति। अब इन तीन में भी प्रमुख है अंतरंगा स्वरूप शक्ति। अब ये स्वरूप शक्ति भी तीन प्रकार की होती है, सत चित आनंदमय। सत चित आनंदमय कृष्णेर स्वरूप, अतएव स्वरूप शोक्ति होय तीन रूप। आनंदांशे ह्लादिनी, सदंशे संधिनी, चिदंशे संविद्यारे ज्ञान कौरिमानी। चैतन्य चरतामृत। सत चित आनंद, ये तीन प्रकार की हो गई स्वरूप शक्ति, इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। अब इसमें जो सत है शक्ति, इससे संधिनी शक्ति की उत्पत्ति होती है, चित शक्ति से संवित शक्ति की उत्पत्ति होती है और आनंद शक्ति से ह्लादिनी शक्ति की उत्पत्ति होती है। और सत चित आनंद इन तीनों में प्रमुख कौन सी? आनंद शक्ति। क्योंकि सत से परे चित और चित से परे आनंद। सत चित के अंदर में और सत चित दोनों आनंद के अंदर में, तो प्रमुख कौन सी हुई? आनंद शक्ति। और आनंद का भी निचोड़ क्या? ह्लादिनी शक्ति। और ह्लादिनी का भी जो निचोड़ हो उसको कहते हैं भक्ति, प्रेम। ह्लादिनी शक्तेर परम सार तारो प्रेम नाम। चैतन्य चरतामृत। जो अंतिम निचोड़ हो ह्लादिनी शक्ति का भी सार। देखो अनंत शक्तियों में प्रधान तीन शक्तियां, जीव शक्ति, माया शक्ति, स्वरूप शक्ति। उनमें भी प्रधान स्वरूप शक्ति अंतरंगा, स्वरूप शक्ति के भी तीन भेद, सच्चित आनंद, उनमें भी प्रधान आनंद, आनंद का भी निचोड़ ह्लादिनी शक्ति और ह्लादिनी शक्ति का भी निचोड़ भक्ति, प्रेम। यानी दही का हमने पहले मक्खन निकाला, वो निचोड़ निकाल लिया हमने, फिर उस मक्खन का भी निचोड़ निकाल लिया घी। तो ऐसे ही आनंद का निचोड़ ह्लादिनी और ह्लादिनी का भी निचोड़ परम सार, ये है प्रेम भक्ति। यानी भगवान की सर्वांग तरंगतम शक्ति को भक्ति कहते हैं, सबसे अंतरंग शक्ति। तो भला बताओ ये करने की चीज कहां है? ये तो नित्य सिद्ध चीज है, भगवान की शक्ति है। और शक्ति भी कैसी है? जो भगवान को अपने अंदर में रखती है, ऐसी शक्ति है ये। शक्तियां तो भगवान की अनंत है, लेकिन ये भक्ति नाम की शक्ति ऐसी है जिसके अंदर में भगवान है। बड़े रुआब से भगवान कहते हैं मैं परम स्वतंत्र हूं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अरे क्या कहते हो, तुम्हारे भी सिर पर कोई है? कौन है भाई? यही भक्ति। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भागवत 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। मैं भक्ति के अंदर में हूं, अस्वतंत्र यानी स्वतंत्र नहीं हूं, परतंत्र हूं अर्थात गुलाम हूं, दास हूं भक्ति का।
ये भक्ति जिसके पास आ जाएगी, वो चाहे घसियारा हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, चाहे कागभुसुंडी कौआ हो, कोई हो, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, वो मुझे गुलाम बना लेगा। और एक दो दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए गुलाम बन जाते हैं भगवान। और ऐसे गुलाम नहीं जैसे संसार में लोग होते हैं बेगारी करते हैं। एक नौकर काम करता है, ऐसा नौकर नहीं बनते भगवान, क्योंकि इस नौकर को सर्विस करने में, सेवा करने में खुशी नहीं हो रही है भीतर से, वो तो बेचारा रुपए के लिए कर रहा है। हाँ, कौन है भैया? ये नौकर है हमारा, सब काम करता है ठीक ठीक। हाँ, सब काम करता है ठीक ठीक। हाँ, ऐसे होते हैं नौकर, हैं ऐसे नहीं होते। क्यों? इसीलिए कि इसको भीतर से सुख नहीं मिलता सेवा करने में, ये तो हर समय परेशान है 24 घंटे। अगर उसको कहा जाए, उसका मालिक कहे, हे रामू बेटा इधर आओ। हाँ साहब, कहिए। देखो एक बात बताओ कि तुम यहां दिन रात काम करते हो और फिर तुमको पे मिलती है, ये तुमको अच्छा लगता है? या तुम्हें तुम्हारे गांव भेज दिया जाए और वहीं हम तुमको पे भेज दिया करें, बिना काम करे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको? अरे हुजूर, क्या बात है, अगर ऐसा हो जाए कि आप गांव में ही भेज दिया करें हमको मनी ऑर्डर से, तो देखो वो मजबूरी में कर रहा है सेवा, उसे सेवा की खुशी नहीं है, सेवा से पिंड छूटे लेकिन पे मिल जाए तो खुशी होगी उसको। अरे एक दिन की छुट्टी अगर मिल जाती है, ये तो स्कूल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सर्विस करने वालों को कितनी प्रसन्नता होती है। आज छुट्टी हो गई, क्यों, क्या हो गया? वो प्राइम मिनिस्टर मर गया, प्रेसिडेंट मर गया, ये हो गया, वो हो गया, पे तो मिलेगी। हाँ पे तो मिलेगी, पे मिलेगी, लेकिन एक दिन की छुट्टी मिल गई तो इतनी खुशी हो रही है सबको। और हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए, कभी काम ना करना पड़े और पे मिले, तो सोचो कितनी खुशी होगी। तो ये नौकर नहीं है, इसको दास नहीं कहते, नौकर नहीं कहते। भगवान ऐसे नौकर नहीं बनते, भगवान तो जीव के ऐसे दास बनते हैं कि नीच टहल बलि जाए। जितनी नीचे से नीची क्लास की उनको सेवा मिलती है अपने भक्त की, उतनी अधिक उनको प्रसन्नता होती है। और अगर सेवा न मिले तो भगवान दुखी होते हैं, ऐसे दास बनते हैं भगवान। सोचो।